जो कि अपने जन्म के समय से अंधी थी। अंधा होने के कारण वो ना तो खेल पाती थी और ना ही उसके दोस्त थे। इस कारण वो अक्सर दुखी रहती थी। मैं क्या जिंदगी भर ऐसे ही अकेली रहूंगी? क्या मैं कभी आप सब लोगों की तरह दुनिया नहीं देख पाऊंगी? नहीं नहीं बेटी, तू चिंता न कर। तेरे पिताजी रोज शहर जाते हैं और बड़े डॉक्टरों से मिलते हैं। आज भी वो शहर ही गए हैं। बस एक बार कोई अपनी आंखें देने वाला मिल जाए तो तू भी ये दुनिया देख सकेगी। तभी रूपा के पिताजी मोहनलाल आ जाते हैं। मेरी बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मन करता है पूरी दुनिया को सर पर उठा लूं। अजी, ऐसा क्या हुआ जो ऐसे पागल हुए जा रहे हो? क्या हुआ? अरे ये मत पूछो क्या हुआ, ये पूछो क्या होगा। हमें कल ही शहर जाना है और रूपा की आंखों का ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर साहब को आंखें मिल गई हैं रूपा के लिए। अब रूपा भी ये दुनिया देख सकेगी। क्या सच में पिताजी? वाह, मजा आ जाएगा। मैं भी दुनिया देख सकूंगी। मजा आ जाएगा पिताजी। फिर अगले दिन तीनों शहर चले जाते हैं और रूपा की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। रूपा, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन सफल रहा है और बस अभी थोड़ी ही देर में तुम भी दुनिया देख सकोगी। सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को देखना चाहूंगी डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर मोहनलाल को लेकर रूपा के पास आते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। डॉक्टर आंखों से पट्टी उतारता है और रूपा को आंखें खोलने के लिए कहता है। रूपा बेटा, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे आगे कौन खड़ा है, उन्हें पहचानो। लेकिन जैसे ही रूपा अपनी आंखें खोलती है, उसे एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है और गायब हो जाती है। उसे देखकर रूपा के मुंह से चीख निकल पड़ती है। ये डरावना चेहरा किसका है? कौन है ये? मैं तेरा बाप हूँ बेटा। क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया तुमने बेटा जी? कुछ नहीं पिताजी, शायद कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद रूपा को अक्सर उसी चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है और वो डर जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ सीमा परेशान हो जाती है और एक तांत्रिक को घर पर बुलाती है। मेरे होते हुए कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। ये भूत प्रेत तो मुझसे डर के भागते हैं और कई तो मेरे आगे रहम की भीख भी मांगने लग जाते हैं। बाबा, अब इतनी बड़ाई मत करिए अपनी और जल्दी से ध्यान लगाकर बताइए बात क्या है। अभी लो पुत्री। उसके बाद तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तांत्रिक भी डर जाता है। बेटा बेटा, ये तो किसी चुड़ैल का साया लगता है और ये चुड़ैल तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रहा तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। उसी रात जब रूपा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी चुड़ैल उसके कमरे में आ जाती है और उसे आवाज लगाती है, जिसे सुनकर रूपा उठ जाती है। कौन है? तुम हॉस्पिटल में थी, तुम मेरा ऐसे पीछा क्यों कर रही हो और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ दिखती क्यों हो? क्या चाहती हो मुझसे? मैं हर जगह आ जाऊंगी। मेरी आंखें वापस दे दो, मेरी मदद करो। तुम्हारी आंखें? ये कैसे हो सकता है? ये तो डॉक्टर ने लगाई है मुझे, और भला मैं तुम्हारे क्या काम आ सकती हूँ? ये आंखें मेरी हैं। कुछ गुंडों ने मुझे मार डाला था और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई थी। तुम्हें ये आंखें उसी हॉस्पिटल से मिली है। अब मुझे उन गुंडों से बदला लेने और सच का पता लगाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मैं आपकी मदद करूंगी। आपको जैसी भी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। उसके बाद चुड़ैल हंसते हुए रूपा के शरीर में समा जाती है और वहाँ से उड़ जाती है और एक घर के दरवाजे पर उतरती है और दरवाजे से आवाज लगाती है। भीमा, ओ भीमा, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। लड़की की आवाज सुनकर भीमा बाहर आता है और रूपा को सामने देखकर खुश हो जाता है। क्या लड़की है भीमा, वो भी अकेले?
वो भी तेरे घर पर, आज तो मजा आ जाएगा। अब ऐसे घूरते ही रहोगे या अंदर भी ले चलोगे? वो मैं आप अंदर चलिए। लेकिन जैसे ही चुड़ैल अंदर जाती है वो रूपा के शरीर से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर भीमा डर जाता है। नंदिनी, तुम कैसे, तुम जिंदा कैसे हो गई? पहचान लिया तुमने? सही बोला तुमने, मैं नंदिनी ही हूँ। चल अब जल्दी से बता, तूने और तेरे उस हकले दोस्त रंगा ने मुझे क्यों मारा? मैं तो तुझे जानती भी नहीं थी। ये तो तुम्हें वो रंगा ही बता सकता है। मैं तो सिर्फ वो ही करता हूँ जो रंगा मुझे करने को कहता है। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो वापस रूपा के शरीर में चली जाती है और भीमा को गला दबा कर मार डालती है। एक तो गया, अब दूसरे की बारी। उसके बाद चुड़ैल रंगा के घर जाती है। उस दिन रंगा घर के बाहर ही सो रहा होता है। चुड़ैल उसको पैर से उठाकर पटक देती है। रंगा उठ जाता है। कौन है, मेरे तो क्यों पटका? तभी चुड़ैल रूपा के शरीर से निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर रंगा डर जाता है। तुम नंदिनी, तुम तो मैंने मार डाला था, मुझे माफ कर दो। अरे तोतले, बोलना बंद कर और बता किसके कहने पर तूने मुझे मारा था, शायद मैं तुझे माफ कर दूं। क्या सच में तुम मुझे माफ कर दोगी? अगर मैं तुम्हें सब सच बता दूं, तुम तो मारने के लिए हमें तुम्हारे पति रवि ने पैसे दिए थे, तो तुम्हें मारना चाहता है। मैं तुझसे उसका ही नाम जानना चाह रही थी। तभी रूपा बोल पड़ती है, चुड़ैल जी इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। फिर चुड़ैल रूपा के शरीर में प्रवेश करती है और रंगा को उठा लेती है और हवा में लेकर उड़ जाती है और ऊंचाई पर जाकर उसे छोड़ देती है। रंगा नीचे गिरकर मर जाता है। चुड़ैल रूपा के शरीर से बाहर आ जाती है और रोने लग जाती है। इस रवि को मैंने इतना प्यार किया था और अपना सब कुछ इसको दे दिया था, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। चुड़ैल जी, इस नास मीटर रवि ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपको पता लगाना चाहिए कि उसने आपकी जान क्यों ली और उससे बदला भी लेना चाहिए। उसके बाद चुड़ैल अपने पति रवि के घर जाती है। रवि अपने घर पर बैठा होता है, उसके साथ एक दूसरी लड़की भी होती है। देखा जानू, अपने प्यार के लिए मैंने अपनी बीवी को मरवा दिया। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और उस नंदिनी का सारा पैसा अब अपना है, अब हम ऐश करेंगे। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। आराम से तो तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूंगी। तुम्हें तो मेरे साथ ही आना पड़ेगा, मेरे प्राणनाथ। और रही ऐश की बात, तो वो तो मैं तुम्हें चुड़ैल लोक में कराऊंगी। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मैं इस लड़की के बहकावे में आ गया था। तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी जान। रवि की बात सुनकर लड़की डर जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो इस नास मिटे रवि का किया धरा है, मुझे जाने दो, तुम्हें जो भी करना है करो इस रवि के साथ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ नहीं थी, अब तो मैं एक चुड़ैल हूँ। जिस लड़की के लिए तूने मुझे मारा वो भी तुझे छोड़ रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि की गर्दन पकड़कर उखाड़ देती है और उसके बाद उस लड़की की तरफ बढ़ती है। अपनी तरफ चुड़ैल को आता देख लड़की बहुत डर जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। सारी समस्याओं की जड़ तो तू ही है लड़की, तुझे सब कुछ पता होते हुए भी इन दुष्टों का साथ दिया, तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। और डर मत, मैं तेरी जान नहीं लूंगी। एक पत्नी सच्चे मन से अपने पति पर अंधा विश्वास करती है, किसी भी पति को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की का चेहरा नोच देती है। चेहरा नोचते ही लड़की गिर जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है। रूपा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, ये आंखें तुम ही रखो और इससे सारी दुनिया देखो जो मैं नहीं देख पाई। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।